डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। महोदय, भारत के स्कूली पाठ्यक्रम में क्या क्या भिन्नताएं पाई जाती है? एक और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का आदर्श पाठ्यक्रम है और दूसरी ओर हर राज्य सरकार द्वारा निर्मित अपने अपने पाठ्यक्रम भी हैं। कहीं अंग्रेजी माध्यम में सारे विषय पढ़ाए जाते हैं, कहीं कुछ विषय अंग्रेजी माध्यम से और कुछ विषय हिंदी माध्यम से, कहीं सभी विषय अंग्रेजी राज्यों की प्रांतीय भाषाओं के माध्यम से, कहीं त्रिभाषा सूत्र के नाम पर हिंदी अंग्रेजी और संस्कृत, कहीं हिंदी अंग्रेजी और प्रांतीय भाषा, कहीं दो ही भाषाएं प्रांतीय भाषा और अंग्रेजी। केरल के शिक्षा मंत्री ने इस भिन्न स्तरीयता को देश की भावनात्मक एकता के लिए बाधक बताया और कहा कि हर राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सही अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए यदि आवश्यक हो तो विधायन भी किया जाए। आपने कहा कि हर विषय में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा निर्मित पाठ्यक्रम हर राज्य में लागू किया जाना चाहिए। केरल सरकार इस दिशा में कुछ ठोस कार्यक्रम बना रही है और शीघ्र ही उसका कार्यान्वयन आरंभ होगा। आपने कहा कि केरल में त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत प्रांतीय भाषा मलयालम, हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, संस्कृत और अरबी भी पढ़ाने की व्यवस्था की गई है। आपने आग्रह किया कि उत्तर राज्यों में भी त्रिभाषा सूत्र का सही कार्यान्वयन हो। पैराग्राफ चेंज। उन्होंने त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत 7वीं कक्षा में हिंदी पढ़ाने के लिए एक हिंदी उप पाठ्य पुस्तक तैयार करने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद और केरल हिंदी प्रचार सभा के तत्वाधान के सभा के तिरुवनंतपुरम परिषद में 18 से 23 जून 2001 तक आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला के समापन समारोह की अध्यक्षता कर रहे थे। अध्यक्षीय भाषण में तिरुवनंतपुरम जिलाधीश ने सुझाया कि हिंदीतर राज्यों के छात्रों के मन में हिंदी के प्रति अपनत्व की भावना उत्पन्न करने के लिए उपयोगी सामग्रियां प्रारंभ कक्षाओं को प्रांतीय भाषा की पाठ्यक्रम पुस्तकों में ही दे, ताकि हिंदी अध्ययन के लिए वे अनुकूल मानसिकता बना पाए। आपने सुझाया कि हिंदी शिक्षण के लिए विशेष उपागम अपनाए। पैराग्राफ चेंज। कार्यशाला की उपलब्धियां प्रस्तुत करते हुए NCERT के हिंदी प्रकोष्ठ के प्रभारी एवं रीडर ने कहा कि हिंदी प्रचार में उत्तर पूर्वी क्षेत्र और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की अपेक्षा केरल आगे है। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के पूर्व निदेशक एवं प्रोफेसर ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि राजनीतिक दलबंदी के घेरे में पड़कर हिंदी की स्थिति कहीं कहीं चक्रव्यूह ग्रस्त अभिमन्यु की सी हो रही है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के हैदराबाद केंद्र के प्रोफेसर ने सुझाया कि हिंदतर राज्यों की स्वैच्छिक हिंदी संस्थाएं हिंदी प्रशिक्षण के लिए उपयोगी दृश्य श्राव्य सामग्री का वर्णन निर्माण करें। केंद्रीय हिंदी निदेशालय
के उपनिदेशक से आग्रह है कि अंग्रेजी के स्वभाव प्रेम से हम प्रेरणा कर रहे करे। कविता के प्रमुख कवि ने चाहा कि हिंदीतर राज्यों के छात्र हिंदी में भी बोलना प्रारंभ करें ताकि हिंदी उनके लिए अधिक सरल लगे। समाप्त।